In this video, I am gonna teach you daily use English sentences through advanced English structure. Do you want to improve your English through advanced English structure? If you want to improve your English through advanced English structure, then guys, I recommend you. Today's class is going to be very helpful for all of you guys. So, without delay, let's get started. Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel, Jenagar Madam. This is Jenagar Madam and you are watching on Jenagar Madam. How are you guys doing? I hope you all guys are doing absolutely fit and fine. In today's video, I am gonna teach you advanced English structure. And today is advanced English structure day 63. Guys, हम काफी बार अपने डे टू डे लाइफ में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को बोला करते हैं जिसकी इंग्लिश हमें मालूम नहीं होती है, जैसे कि जितना सोना है सो लो, जितना खेलना है खेल लो, जितना हंसना है हंस लो, जितना रोना है रो लो, जितना टहलना है टहल लो, जितना पीटना है पीट लो, जितना नाचना है नाच लो, जितना कहना है कह लो, जितना पीना है पी लो। तो काफी बार गाइज इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बोला करते हैं। हिंदी में तो बड़ी आसानी में बोल लेते हैं, जब इंग्लिश में बोलने की बारी आती है तो गाइज हम लोग अटक जाते हैं, यही बात है ना। तो गाइज आज का जो ये क्लास है आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। यदि आप इस तरह के सेंटेंसेस को सीखना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज अभी जस्ट आपने इन सारे सेंटेंस को सुने हैं तो एक चीज आपने जरूर नोटिस किए होंगे, जितना 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 क्या है सारे सेंटेंस में कॉमन है। तो जितना के लिए हम यूज करेंगे एज मच एज, मतलब जितना, जितना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं एज मच एज। तो चलिए गाइज इस फ्रेज को स्ट्रक्चर में रख के देखते हैं, क्योंकि मेन तो होता है स्ट्रक्चर। जब तक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा तब तक सेंटेंस को बना नहीं पाएंगे। तो पहले आपको स्ट्रक्चर को समझना है, ओके। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, देन एज मच एज, एज मच एज मतलब जितना, ओके। देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन वांट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन एज मच एज, देन सब्जेक्ट, देन वांट। तो गाइस आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। जब भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना हो तो आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। फर्स्ट वन, जितना सोना है सो लो। तो सोना इसमें क्या है, वर्ब है। तो सोना की इंग्लिश स्लीप होता है, स्लीप। देन एज मच एज, जितना का इंग्लिश लेना है एज मच एज। देन सब्जेक्ट यू, क्योंकि सेकेंड पर्सन से ही बात कर रहे हैं, ओके, तो यू का यूज करना है। देन वांट। गाइज सॉरी फॉर मिस्टेक हियर। वांट, स्लीप एज मच एज यू वांट, स्लीप एज मच एज यू वांट। गाइज आपको मेरे साथ साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना है और प्रैक्टिस भी करते रहना है। और हाँ गाइज, लेट मी टेल यू, मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सभी को मेरे साथ साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। मैं आप सभी को प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, एक सेंटेंस को दो बार बता रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम में आपको क्या करना है, लिसन करना है, एंड सेकेंड टाइम में आपको मेरे साथ साथ से अलाउड बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश उतनी ही जल्दी इम्प्रूव होगा। आई होप कि आप ऐसा जरूर करेंगे। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जितना खेलना है खेल लो। तो खेलना की इंग्लिश
play, play. Then as much as, then subject you, then want. आपको सेंटेंस के एंड में वांट का यूज करना ही है. प्ले एज मच एज यू वांट, प्ले एज मच एज यू वांट. जितना हंसना है हंस लो. तो हंसना के इंग्लिश लाफ, लाफ एज मच एज यू वांट. लाफ एज मच एज यू वांट, लाफ एज मच एज यू वांट. तो गाइज यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा. यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. साथ ही साथ जो ऑल वाले घंटी का निशान दिख रहा है प्लीज उसे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे. तो ऐसे ही मेरे साथ साथ बने रहिए इस वीडियो में एंड तक. आई होप कि आप बने रहेंगे. और हो सके तो गाइज इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके भी फ्रेंड लोग इस तरह के सेंटेंसेस को सीख पाए. आई होप कि जरूर आप शेयर करेंगे. नेक्स्ट वन, जितना रोना है रो लो. तो रोना क्या है, वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है. क्राई एज मच एज यू वांट, cry as much as you want, cry as much as you want. जितना टहलना है टहल लो. तो टहलना की इंग्लिश walk, walk as much as you want, walk as much as you want, walk as much as you want. जितना पीटना है पीट लो. पीटना की इंग्लिश बीट, बीट एज मच एज यू वांट, बीट एज मच एज यू वांट, बीट एज मच एज यू वांट. जितना नाचना है नाच लो. तो नाचना की इंग्लिश डांस, डांस एज मच एज यू वांट, डांस एज मच एज यू वांट, डांस एज मच एज यू वांट. गाइज आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है. यदि आप स्किप करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे. यदि आपको सीखना है तो आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते ही चलना होगा. तो बने रहिए. जितना कहना है कह लो. तो कहना से, से एज मच एज यू वांट, say as much as you want, say as much as you want. जितना पीना है पी लो. पीना की इंग्लिश drink, drink as much as you want, drink as much as you want, drink as much as you want. गाइज नाउ योर टर्न. अब आपकी बारी है. मैं आप सभी को दो होमवर्क दे रही हूँ जिसको क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है. क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप वीडियो को वॉच किए हैं तो आप कितना सीखे हैं. तो पहला सेंटेंस है जितना लर्ना है लर लो. सेकेंड वन, जितना लिखना है लिख लो. गाइज दीज टू सेंटेंसेज आर फॉर यू. डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स. तो गाइज आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा. यदि अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा. यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो ऑल वाले घंटी का निशान दिख रहा है प्लीज उसे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।